हेलो गुड आइवनिंग आप सब कैसे हैं? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आप सबको यहाँ के? अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं जिम कार्पेट घूम के आई, इससे तो मेरा दिमाग ही शांत नहीं, ऐसा लगता है कब हम गोवा पहुँचेंगे, बस यही दिमाग में चल रहा है। बाकी सबसे पहले तो मैं अपने मिस्टर अशोक भाटिया जी, सत्यम भाटिया जी की जोड़ बात, मैं भी कहती हूँ ऐसे अगर दुनिया में एक दो व्यक्ति और तैयार हो जाए तो शायद सारी गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं है। अशोक भाटिया जी जैसा दोबारा कोई पैदा हो जाए। चले और दूसरे मेरे आप लोग सुन के बड़ा अजीब लगेगा, वो हर समय हमें कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि मेरा मन सुबह शाम तक कुछ ना कुछ खराब कर देते हैं, लेकिन अब इस समय उन्होंने भी हमारा साथ देना शुरू कर दिया है, तो मैं इस बात पे सबसे बड़ी खुश हूँ। जिस दिन वो यहाँ आ जाएंगे मैं पूरी एजेंसी की पूरी ताकत मेरे पास ही होगी, शायद वो किसी के पास नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। तैयारी लगी हुई हूँ मगर सर ने कहा कि जब लोग तैयार होंगे, लोग गर्म होंगे, हथौड़ा तब मारा जाएगा, तो तैयार है। तो हमारे सिल्वर्स को भी आपने देखा, और इसी बीच में हमारे चमचमाते जो सितारे हैं, नेक्स्ट लेवल कौन सा है? गोल्ड का। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ जो भी हमारे गोल्ड्स हैं, कम ऑन द स्टेज। शानदार तालियां होनी चाहिए एक बार गोल्ड के लिए। कितनी तालियां चाहते हैं आप गोल्ड पे? धन्यवाद सर को। अपना नाम क्या, अच्छा लगा क्या टारगेट? बहुत कम शब्दों में एक मैसेज देना सर। थैंक यू। गुड आईएमसी, ध्रुव राज यादव फ्रॉम अमेठी। मैं आईएमसी में लगभग 2 साल हो गया काम करते हुए। इसमें दरअसल सबसे अच्छा हमें लगा कि यहाँ पे लोगों से, नए नए लोगों से रिलेशनशिप बनती है, और अच्छे लोगों से हमारा संबंध जब बनता है तो हमारा बिजनेस तो अपने आप हो जाता है। तो प्रोडक्ट को यूज करें 100% और शेयर करें और सबको भलाई का काम करें, यही हमारा अचीवमेंट है, और हम चेयरमैन बनने वाले हैं मार्च में। थैंक यू। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। मायसेल्फ गीता यादव फ्रॉम लखनऊ। मुझे भी लगभग 2-2.5 साल हो रहे हैं आईएमसी में। पहले 1 साल तो मैंने किया ही नहीं, जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ कि मैंने भी सोचा कभी मैंने ये नेटवर्किंग का ये सब कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कोई भी जॉब अलाउ नहीं करते थे कि कुछ नहीं करना है, बच्चों देखो या अपना कैरियर देखो, बस यही है। तो जब ये आईएमसी में ये जो अभी बोले वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे देवर हैं, जो ये मुझे लेके आए, मुझे बोले भाभी आप मुझे अपनी आईडी कार्ड दे दो जितना भी है। तो मैंने ये नहीं पूछा कि क्यों दे, किस लिए दे, पर निकाल के दे दिया। इन्होंने मेरी आईडी आईएमसी में लगा दी। मैंने 1 ईयर तक कुछ भी नहीं किया क्योंकि समझ में नहीं था कि आईएमसी क्या है क्या नहीं, कभी जाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। फिर जब मेरे एक अपलाइन और है मिस्टर क्या नाम है भैया, आरवी सिंह, तो जब वो आए उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ मीटिंग है हमारे घर के जस्ट पास में ही था, तो मैंने तो कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया। बट उस दिन संडे था, मेरे हस्बैंड भी घर में थे, तो उन्होंने कहा सर आप भी चलिए। तो बोले मैं क्या करूँगा जाके, बोले नहीं एक बार चलिए। जब वो गए हम लोगों ने वहाँ फर्स्ट मीटिंग अटेंड की, बट वहाँ पे मुझसे ज़्यादा वो मोटिवेट हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैंने आपको जॉब नहीं करने दी, बट आईएमसी एक अच्छी चीज़ है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसे करो। फिर मैंने 1 साल बाद मैंने जो किया, करते करते गोल्ड स्टार हो गए। और आज भी टारगेट तो है लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है, बट आई होप कि हम जल्दी उस लेवल को अचीव करेंगे जो मैंने सोचा है। थैंक यू सो मच। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। और मैं छोटा सा अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनप्रभा सचान है, हम कानपुर से हैं, और इस सिस्टम पे आए हुए मुझे 2 साल हो गए, लेकिन पहले मैंने इस सिस्टम को कभी सीरियसली नहीं लिया था। और आज जब हमारे जो हमारे स्पॉन्सर हैं हमारे संजय सर, और हमारे जो ग्रेट गुरु लोग हैं रोहित सर, डीएन सर, ऐसे बहुत सारे मनीष सर, बहुत सारे हमारे गुरु लोग हैं, इनके मार्गदर्शन से आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे बहुत आगे जाने का वो हो रहा है। और इसी के मतलब मैंने जो नया लेवल अचीव करने के लिए मेरा सिल्वर मेंटेन है, गोल्ड भी मैंने वो कर लिया है, लेकिन जो हमारा अभी यहाँ तक हम आने के बाद पूरी तरह से अभी हम सहमत नहीं है,
जो सब लोग मुझे बताते हैं कि इस लेवल के बाद ये होता है, इस लेवल के बाद ये होता है, तो मुझे बस ये लगता है, मेरे अंदर एक ये जुनून होता है कि बस मेरे को अभी इस लेवल से अभी सेटिस्फाई नहीं है, मुझे बहुत ऊपर जाना है। कम से कम मेरा जो नेक्स्ट लेवल है कि बहुत 2021 के मुझे चेयरमैन बन के दिखाना है। सिर्फ लगे रहिए, आप सिर्फ आप लोग बिजनेस में टिके रहिए, आप जरूर बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस सबके लिए है, बट टिके रहना। तो एक बार जोरदार तालियों से फिर एक बार इनको स्टेज पे बोलिए। लेवल होता है और इस लेवल पे ही हमने असम बंगाल बिहार मैंने भागना चालू कर दिया था, और उस समय मेरी 30-32 हज़ार की प्याउट थी इस लेवल पे, और आज भी इनकी यही प्याउट होगी। 25-30-35-40 हज़ार की इनकम आती है इस लेवल पे। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे गोल्ड स्टार। तो एक बार हम जानना चाहते हैं कि आपका मैसेज तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये चाहिए कि आपका नाम और कहाँ से हैं और इस महीने का क्या टारगेट है और अगला क्या प्लान है। थैंक यू सर। गुड टाइम जी दोस्तों, मैं सर ध्रुवराज यादव, मैं अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैं इसमें गोल्ड स्टार हूँ। मैं आने वाले समय चेयरमैन की तैयारी कर रहा हूँ। हमारी 5 लेग कम्प्लीट होने वाली है, फिर भी मैं इस महीने गोल्ड रूबी या डायमंड करूंगा। थैंक यू। मेरा नाम गीता यादव है, मैं लखनऊ में ही रहती हूँ, और मेरा अभी प्रेजेंट टाइम में गोल्ड स्टार लेवल है। वैसे मेरा डायमंड है, बट आई होप कि मैं मतलब कोशिश करूंगी कि मेरा इस बार रूबी हो जाए इसमें। हेलो, गुड एमसी, और यहाँ पे आए हुए सारे सीनियर लोगों को मेरा प्रणाम। और इसी के साथ जो सर ने मुझे आज यहाँ पे सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस लेवल जो लेवल की बात कर रहे हैं सर, मेरा गोल्ड लेवल मेंटेन करके और अगला जो जनवरी का फर्स्ट माह होगा तो हम सोच रहे हैं रूबी का लेवल हमें अचीव करना है। और हमने नया टारगेट दिया कि 2021 के मुझे चेयरमैन बन के दिखाना है, इतना मुझे करना है, मुझे बहुत आगे जाना है। और इसी के साथ गुड एमसी। आए, क्या बात है, जबरदस्त।
प्रोडक्ट सभी अच्छे हैं, खासतौर से कुर्सी का यूज़र बराबर हूँ। सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, सभी यूज़ कर रहा हूँ और मेरे परिवार में सभी यूज़ कर रहे हैं। मेरा टारगेट आगे रूबी स्टार का है। कुछ बड़ी बात नहीं, सर ने बताया कि हम मार्केट में ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, हमें क्या मिला। लॉकडाउन से पहले अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, पर मंथ 50,000 से 1,00,000 आ रहे थे। लॉकडाउन लगते ही वो जीरो जब हुआ तो दिमाग में ठनका ये मेहनत आगे वेस्ट ना जाए, ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म हाथ लगा। कुछ नहीं करना था, यूज एंड शेयर, लोगों से मिलना था, लोगों को हेल्थ शेयर करनी थी, अपनी हेल्थ सही करनी थी, और इस क्रम में बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप लोगों का इसी तरह प्यार सपोर्ट रहा तो आगे भी पहुँचेंगे, और एक टारगेट है कि नेक्स्ट दिवाली रूबी स्टार अचीव करना है। फ्रेंड्स, नाम प्रांजुल द्विवेदी, कानपुर से धरती से बिलोंग करते हैं। आज इस सिस्टम को तो आए तो मुझे 1 साल हो गया है, मगर मैंने कभी सीरियस कभी सिस्टम को लिया नहीं था। अभी कुछ समय पहले यही लॉकडाउन का जो पीरियड था, जब हमको समझ में आया कितना दूसरों की चर्चा कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं मिल रहा, तो अपने कंपनी का चर्चा करें तो पैसा मिलेगा। तो आज इस सिस्टम को बढ़ते बढ़ते आज क्रम में पहुंचे हैं। जैसे कि सर ने बताया, हमारे मेंटर मोहित सर हैं, तो हमारे मेंटर हमारे गुरु जी जो रोहित सर, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे सर के लिए, बजनी चाहिए। और जैसे सब लोग अपना टारगेट ले रहे हैं, तो हमारा भी मार्च तक टारगेट है रूबी स्टार लेवल विद मेंटेन के साथ। हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। गुड एमसी। गुड एमसी फ्रेंड्स, मेरा नाम उमर सिदाना, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने हाल ही में 2 महीने हुए अभी मुझे एमसी ज्वाइन किए हुए, और मैंने इसके प्रोडक्ट यूज करके बहुत सारे फायदे देखे हैं। तो मैं अपने सीनियर्स को उनके लिए ताजिया करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोग मेरी इतनी हेल्प करी है ताकि मैं इस लेवल पे अचीव कर सकूँ। थैंक यू फॉर ऑल सीनियर्स एंड टीचर्स। दोस्तों, गुड एमसी, माय नेम इज संतोष कुमार, मैं जगदीशपुर से आया हूँ, और इस सिस्टम को मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, सुपर स्टार हूँ। नेक्स्ट मंथ जो है गोल्ड स्टार की तैयारी है, मेरे पापा चेयरमैन स्टार हैं। थैंक यू। गुड एमसी। वीरेंद्र गौड़ है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मेरे को 2 साल हुए हैं, और अगला जो मेरा टारगेट है वो है गोल्ड स्टार। गुड एमसी। दोस्तों, मैं विश्वनाथ राम, उत्तर प्रदेश चंदौली से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ लखनऊ में विशेष पक्षी सुरक्षा वाहिनी में कांस्टेबल पद पर हूँ। मैं यहाँ ड्यूटी से समय लेकर के किसी तरह छुट्टी बहाना करके भाग करके आया हूँ। मेरे घर में हुई और सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, और मैं इस समय के बंधन से मुक्त होने के लिए अपने वर्क को आगे बढ़ा रहा हूँ। गुड एमसी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं मेरे अपलाइंट मेरे फादर मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा जी। सबसे अच्छी बात मुझे बिजनेस की ये लगी कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अपनी आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और ये बिजनेस गिविंग का है। जितना आप देना चाहेंगे उतना ही आप अपने भला कर सकते हैं और दूसरे का भी भला कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मेरे अप्लाई जो मुझे यहाँ लाए हैं उनके लिए जोरदार तालियां फिर से बजाएं। मेरा नेक्स्ट टारगेट है रूबी लेवल। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश के साथ, तालियों के साथ विदा करेंगे अपने सुपर स्टार से हमारे पास शानदार तालियां। फ्रेंड्स, लग रहा है सर, आज इस सिस्टम पे अगर देखा जाए तो आज जितना मुझे मालूम है कि आज फेल होने वाला यहाँ कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि हम यहाँ फेल हो गए तो हमारे एक बहुत बड़ा स्टॉक हमारे पीछे फंस रहा है। कंपनी ने आपको एक ऐसा सिस्टम दिया है बना के कि जहां पे आपको सिर्फ थोड़ा सा एक डिसीजन लेना है और थोड़ा सा एफर्ट लगाने हैं, आप इस श्रेणी में आ सकते हैं। सही है कि गलत? आज बोलना सीखना है, चूंकि ये शांति जो है ये हमें रोके हुए यहां तक आने में। क्या करना है? बोलना सीखना है। यस या नो का अगर आंसर नहीं दे सकते तो मित्र जीवन में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमें यहां आना है कि नहीं। तो जो भी चीज पूछी जाए आज एक एनर्जी के साथ बोलना है कि नहीं, यस यहां पे मुझे भी आना है, और उस लेवल को अचीव करना है कि जिंदगी भर ताली बजानी है या अपने लिए बजवानी है। तैयार है?
आवाज नहीं आ रही, कुछ ही लोग तैयार है लग रहा है। yes. तैयार है? yes. ताली बजानी है कि बजवानी है? yes. सर जिस दिन ताली आपके लिए बजने लगेगी, ये मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट का जो फिगर है ना, ऑटोमेटिक बदलने लगेगा। ये डिसीजन लेके आज से जाना है, और इसी क्रम में आज चमचमाते सुपरस्टार्स के बाद किसकी बारी आती है? हमारे शानदार लीडर, जो रॉयल्टी शुरुआत होती है कंपनी की, एक्चुअल में जो अर्निंग लेवल स्टार्ट होता है हमारे सिल्वर्स का, जो अमूमन मिनिमम जो एक 8 से 10 हजार रुपए की जो अर्निंग होती है, वो हमारे किस लेवल से स्टार्ट हो जाती है? सिल्वर से मिनिमम की। तो आज हमारे बीच में जो भी सिल्वर्स हैं, वेलकम टू ऑल स्टेज, जल्दी से आएंगे यहाँ पे और अपने अपने एक्सपीरियंस को 5 मिनट के अंदर में शेयर करेंगे। एक बार डिसीजन लेके जाना है कि अगर ये लेवल यहां तक अचीव किया जा सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार तालियां उधर से बजाएंगे, सर को माइक हैंड ओवर। गुड एमसी फ्रेंड्स, गुड एमसी सर जी के लिए जोरदार क्लैपिंग कह चाहेंगे, और आप अपने लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। आपने इतना बहुत समय निकाल कर यहां पर आए हैं, और सर जी ने बताया है कि हम लोग ऐसे काम को कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी भगाई जा सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे दो मुख्य प्रॉब्लम है, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। यस या नो? और इस माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में बीमारी और बेरोजगारी दोनों को भगा सकते हैं। यस या नो? तो आप लोग तैयार हैं? तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। मैं कानपुर से विजय शंकर, और स्लो स्टार लेवल, गुड एम्स।